आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और आज का क्लास काफी इंपॉर्टेंट है। जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं, जितने भी आंटी अंकल जो भी देख रहे हैं ना, उनको पहले हल्का सा एक मिनट में बता दूं, उनके बाद बताऊंगा मैं सबको करना क्या है। और एक बात, इस वीडियो का जितने लोग भी देख रहे हैं, अपने लड़ाई जो है वो खुद लड़ना है। कम से कम हर एक इंसान इस वीडियो का कम से कम 20-25 जगह शेयर करना और सभी से रिक्वेस्ट करना ना, कम से कम ये काम करे। अगर आप ये चीज इग्नोर कर देते हैं जैसे होते हुए आ रहा है, तो याद रखना आप सोचते हैं अगर हम नहीं करेंगे तो दूसरा करेगा, और दूसरा सोच रहा है वो नहीं करेगा तो आप करेंगे। इसी में क्या हो रहा है, हम सभी पीछे रह जा रहे हैं। तो कम से कम इस बार जो है एक साथ आना है, क्योंकि देखो सरकार भी आपकी बात नहीं मान रही है, ये तो क्लियर है। मीडिया भी आपका आवाज नहीं उठा रहा, ये भी क्लियर है। और आप भी इसको क्या कर रहे हैं, दबा ही रहे, कहीं सपोर्ट नहीं कर रहे। आप भी क्या कर रहे हैं, इग्नोर ही कर दे रहे हैं। तो दोषी आप किसको देंगे? तो इस बार कम से कम आप सभी एक साथ आइएगा। एक बात सुन लीजिए, हल्का सा इंफॉर्मेशन देते जिनको नहीं पता है, 2019 के शुरुआत में फॉर्म निकाला गया था ग्रुप डी, और आपका एनटीपीसी का सबसे आगे आया था। 20 हो गया, 21 आने वाला है। और बहुत जन जो बोलेंगे कोविड-19 के वजह से एग्जाम नहीं हो रहा है, फॉर्म बहुत पहले निकला था, अभी तक ये रेलवे क्या बोल रहा है ना, टेंडर डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। अभी टेंडर डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। जब आप टेंडर डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं तो आप एग्जाम का फॉर्म निकाले क्यों लोकसभा चुनाव से पहले? ये स्पष्ट तौर पर हम लोगों को समझ में आ रहा है। कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस बीजेपी, उससे लेना देना नहीं है। हम लोगों का एग्जाम हो, रोजगार मिले, बस हमको इससे मतलब है हमारा देश आगे बढ़े। और कौन पार्टी आए कौन पार्टी जाए वो नेता अपना काम समझे, हमको उससे मतलब बिल्कुल भी नहीं है। ठीक, तो देखो यहां पर बहुत सारा लापरवाही किया गया। दूसरा बात, आप सभी को मैंने कल के वीडियो में बताया भी था कि नीट और जेई के ऊपर इतना बवाल, इतना आंदोलन चल रहा है, और उसको लेकर ना कांग्रेस भी आगे आ रही है। जबकि देखो वो पार्टी भी हमारा आवाज नहीं उठा रही है, लेकिन हमारा जो पक्ष है ना वो विपक्ष सुन रहा है, ना सेंटर में जो है वो सुन रही है। तो अपना लड़ाई खुद लड़ना है। आपको करना क्या है ना, कुछ नहीं करना है, एक छोटा सा काम करना है। और मुझे एक चीज देखना है कि अगर 20 लाख बच्चे जो आपका नीट और जेई दे रहे हैं, अगर वो अपने आवाज को इतना बुलंद कर सकते हैं, ट्विटर के ऊपर ट्रेंड करवा सकते हैं नंबर एक पर, यानी 20 लाख बच्चे। और यहां पर तो रेलवे वाले 3.5 करोड़ स्टूडेंट फॉर्म फिलअप किए हैं। अगर ये एकजुट हो जाए और ट्विटर के ऊपर ट्रेंड करवाने लगे तो वर्ल्ड रिकॉर्ड टूट सकता है। समझते हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड का मतलब विश्व रिकॉर्ड। अगर 1 करोड़ बच्चा भी अगर ट्वीट कर दिया ना तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाता है ये। आज तक इतना ट्वीट जिंदगी में किसी ने नहीं किया है। अगर वो आप कर सकते हो, अब आप बोलेंगे भैया ट्विटर चलाने नहीं आता है, कैसे क्या करना है, सब कुछ एक एक चीज मैं इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा। और ये आप कम से कम करना, आपके जो भी फ्रेंड है जो तैयारी नहीं कर रहे हैं ना, उनसे भी आप झुक कर रिक्वेस्ट कर लेना, भैया प्लीज आप अपने आईडी से एक ट्रेंड कर दो, एक ये ट्वीट कर दीजिए, आप रिक्वेस्ट करना। और एक बात, जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं ना, जितने भी यूट्यूबर, आप ये वीडियो अपने चैनल पर भी अपलोड कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं, कोई कॉपीराइट नहीं आएगा, कोई पैसा नहीं कटेगा, कुछ नहीं, पूरा फ्री कर दें इस वीडियो को, ठीक है, कोई इनकम नहीं, ठीक है। अब देख लेना करना क्या है, ये हैशटैग ट्रेंड करवाना है, कैसे करवाना है A to Z मैं आपको बताऊंगा। आपको करना क्या है ना, आपको ये हैश लगाकर अच्छे से देख लो एक बार आप सभी अच्छे से। और अभी ना अगर ये ट्रेंड किया और सरकार अगर बात नहीं सुनी ना, मीडिया को जलील करेंगे। आप देखना, अभी रेलवे एग्जाम कराओ, आपको 3-4 नहीं, बस एक ट्रेंड करवाना है। ऐसा नहीं कि 2-3-4-5, ऐसा कुछ नहीं, बस एक चीज को ट्रेंड करवाना है। और मुझे देखना है कि अपने हक के लिए कोई लड़ सकता है कि नहीं लड़ सकता है। हम सभी एक प्लेटफॉर्म दे सकते हैं, एकजुट कर सकते हैं, अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप बैठे क्या किए। बस इतना ट्रेंड करवाना है, इतना लिखने के बाद, और ये किसको बता रहे हैं, साहब जी को, साहब जी का मतलब पीयूष गोयल को ये बताना है। तो लास्ट में @ पीयूष गोयल तो आपको मेंशन करना ही करना है। और ये कैसे कर सकते हैं मैंने आपको वीडियो में बताया है, मैं आपको वो वीडियो दिखा रहा हूं, ध्यान से देखना। और एक बात, अगर 5,000 लोग भी ये वीडियो देखेंगे ना,
अगर एक लड़का 10-10 लोगों को भी शेयर कर देता है ना, तो 50,000 लोग में से कम 30,000 लोग भी देखेंगे ना, और 20,000 लोग भी ट्वीट कर दिए ना, ये ट्रेंड करने लगेगा। लेकिन आप ये मत सोचना अरे चलो हम नहीं करेंगे, बाकी भीड़ तो कर ही रहा है। आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये लड़ाई आपका है, क्योंकि आपका बात कोई नहीं सुन रहा है, ना मीडिया ना सरकार, ये तो क्लियर नजर आ रहा है। और आंदोलन करेंगे रोड के ऊपर तो आपको लाठी मार रहे हैं लोग, यही चल रहा है। तो कम से कम आप अपना आवाज पूरी इंडिया, देखो आंदोलन करेंगे तो एक जगह आंदोलन करेंगे ना, कहां पर? मान लो आंदोलन किए पटना में, या आपका दिल्ली पर आंदोलन किए, उसको कवर कौन करेगा? मीडिया कवर ही नहीं कर रहा है, यानी हमारा आवाज जो है वहीं तक दब जा रहा है। तो आंदोलन का भी कोई महत्व नहीं रह गया है आज के डेट में, ये भी आप जानते हैं। आपका आवाज पूरे इंडिया स्तर पर उठाना पड़ेगा, और वो एकमात्र ट्विटर है। तो लोग देखेंगे, जो फॉर्म नहीं फिलअप किए ना वो भी देखेंगे कि क्या मैटर है, ये चीज ट्रेंड क्यों कर रहा है, पता करेंगे ये सब चीज, ठीक है। इस वीडियो को मैं शेयर कर दूंगा ट्विटर के ऊपर, और आप सभी पक्का करना, इग्नोर मत करना, वरना हम सभी एक प्लेटफॉर्म दे सकते हैं और उससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। कैसे करना है एक बार वीडियो आप सभी, वो मैं आपको दिखा दे रहा हूं, देख लो आप सभी वीडियो, सभी कोई एक बार ध्यान से देख लो क्या क्या करना है, एक एक स्टेप। अपने फोन में क्या खोलना है, पहले गूगल खोलना है, ये सभी को खोलने आता है, सभी कोई एक बार गूगल खोल लेना। उसके बाद यहां पर क्या आपको सर्च मारना है, आपको सर्च मारना है ट्विटर, ठीक है। आप ट्विटर को सर्च मारना, देखो ट्विटर सर्च मारने के बाद आपको क्लिक करना है, उसके बाद कुछ नहीं करना है, सीधे आपको ऊपर वाले जो है twitter.com इसको आपको ओपन कर लेना है। जितने लोग भी देख रहे हैं ये काम सभी करना, पहले वाले को क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद देखो ट्विटर आपका जो है ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको बोलेगा, अगर आपका अकाउंट नहीं है, आपको ट्वीट करने नहीं आता है, तो आप करिएगा ये चीज, ठीक है। देखो ऊपर में क्या लिखा गया है, आपका साइन अप, आपको साइन अप करना है ट्विटर में। कैसे कर सकते हैं, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके पास ये पेज खुल जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो आपको अपना नाम देना है, फोन नंबर जो है वो देना है, उसके बाद आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो देना है, उसके बाद नेक्स्ट करना है। देखो जैसे ही आप अपना नाम दोगे, फोन नंबर देंगे, डेट ऑफ बर्थ देंगे, उसके बाद इस पर क्लिक करना है नेक्स्ट पर। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद क्या करना है, मैं आपको आगे दिखाता हूं इस वीडियो में। वेरीफाई करने के बाद आपको बोलेगा, यहां पर पासवर्ड देके वेरीफाई कर लिए, उसके बाद बोलेगा अपना कोड देकर कि एक पासवर्ड सेट कर दीजिए। एक पासवर्ड आप सभी जो है वो बना लेना, और याद रखना 8 करेक्टर या उससे ज्यादा का पासवर्ड होना चाहिए। आप कुछ भी पासवर्ड बनाकर ये पासवर्ड बना लेना, कुछ भी, किसी का नाम दे देना या नंबर दे देना, लास्ट में @ लगा देना, कुछ भी पासवर्ड एक बना लेना आप सभी। तो पासवर्ड बनाने के बाद जैसे किए हमारे पास ये पासवर्ड बनाने के बाद जैसे किए हमारे पास ये आ गया। आपको कुछ नहीं करना है, ऊपर वाले में क्लिक कर देना है, यहाँ पर स्किप नाउ। अगर आपको आपको लगता है कि नहीं आप अपना फोटो डालेंगे तो डाल लीजिएगा फोटो, आप सभी ऊपर में स्किप नाउ कर देंगे। स्किप नाउ करने के बाद आप सभी स्किप नाउ कर लीजिएगा, उसके बाद आपके बारे में कुछ लिख दीजिएगा, लिख दीजिएगा एजुकेशन या फिर टीचर या फिर स्टूडेंट, जो मन है वो यहाँ पर लिख कर उसके बाद नेक्स्ट कर लीजिएगा, या फिर स्किप नाउ कर दीजिएगा ऊपर वाला। उसके बाद आपका जो भी लैंग्वेज है, मान लो इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, जो भी आपको आपका है वो कर लीजिए सेलेक्ट। आप किस चीज में इंटरेस्ट है तो वहां पर आप लिख लीजिएगा एजुकेशन। एजुकेशन आने के बाद आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, ऊपर में नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको बोलेगा इतने लोगों को फॉलो करना है, नेक्स्ट कर दीजिएगा चुपचाप। उसके बाद यहां पर आप कर लीजिएगा अलाउ नोटिफिकेशन पर क्लिक। क्लिक करने के बाद आप सभी के पास देखो बोला है कि आप अपना एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। आप चाहो तो अपने फ़ोन में ट्विटर का एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप बोलेंगे नहीं एप्लीकेशन नहीं चाहिए, जो मन, तो मैंने कर देता हूं नॉट टुडे पर, ठीक है। उसके बाद लिखा है लेट्स गो। अब आपका आप ट्विटर से जो है वो कनेक्ट हो चुके हैं। अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखना एक एक स्टेप। ऊपर में आप ये नीचे वाला में देख रहे हैं, ये गोला वाला, आपको इस पर क्लिक करना है सर्च, और यहां पर आपको क्या सर्च मारना है अच्छे से देख लेना। दो अकाउंट है आपको, ये अकाउंट देखना है KEY9098, उसके बाद
किस 98 सक्सेस मारना है, ये अकाउंट आपके पास खुल जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो आप सभी, मैंने एक ट्वीट किया जस्ट पहले, आपको करना क्या है ये मेन चीज है, ये देखना है आप सभी को। आप सभी को ना यहां पर ये दिख रहा है क्या, ये वाला चीज, इस पर क्लिक करना, रीट्वीट कर दीजिएगा। जैसे ही क्लिक करेंगे यहां पर बोलेगा रीट्वीट, देखो आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा ऊपर वाला, इस पर क्लिक करना है आप सभी को। और क्लिक करने के बाद क्या हो गया, आपका रीट्वीट हो गया, ये हो गया। फिर क्लिक करिएगा, फिर आपको देखो रीट्वीट विद कमेंट, तो इस बार कमेंट कर दीजिएगा। और कमेंट में क्या लिखना है आपको, रेलवे एग्जाम कराओ, ए वर्ड गलती नहीं होना चाहिए आप सभी का, ये मेन है। RALWAYEXAM एग्जाम KARAO कराओ, ये आपको कर। और ये किसको बताना है, तो ये बताना है साहब जी को, साहब जी को मतलब पीयूष गोयल साहब को। तो एट द रेट क्या मारना है उसके बाद, एट द रेट ये किसको बता, किसको रहे, पीयूष गोयल को। तो इस पर क्या क्लिक करना है आप सभी को, PPIU, देखो PIU मारने पर ऊपर में ही आ गया पीयूष गोयल, इनको क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ऊपर में ऑप्शन है आपका रिट्वीट, देख रहे हैं ऊपर में ऑप्शन क्या है आपका, रीट्वीट, इस पर क्लिक कर देना आप सभी, जितने लोग भी देख रहे हैं। अब आपका ये रीट्वीट जो है वो सक्सेसफुली हो गया, ठीक है। उसके बाद एक काम और आपको करना है, ये काम तो आप दो काम तो करिएगा ही करिएगा, क्या क्या, एक तो हमारा आपको करना है ये रीट्वीट, और एक रीट्वीट विद कमेंट करना है, दो चीज। तीसरा चीज जो आपको काम करना है वो यह करना है ना, यहां पर आप एक देख रहे हैं क्या, एक ऑप्शन आप सभी का, ये वाला ये देख रहे हैं, यहां पर ब्लू कलर का इसका स्क्रीन बना हुआ है, इस पर क्लिक करना है। अब यहां पर ना आपको क्या करना है, आपको यहां पर भी एक रीट्वीट करना है, ट्वीट करना है अपने तरफ से। तो फिर अगेन RALW रेलवे एग्जाम कराओ, ठीक। उसके बाद ये किसको बताना है, साहब जी को, साहब जी का मतलब पीयूष गोयल साहब को। तो PIU मारने पर ही आ जाएगा साहब का नाम ऊपर में, पीयूष गोयल। उसके बाद ऊपर वाले में क्लिक कर दीजिएगा रीट्वीट, ट्वीट या, ठीक है। सभी कोई कम से कम ये तीन काम करना, अगर ना 20,000 स्टूडेंट भी अपने हक के लड़ दिए ना, विश्वास मानो ये ट्रेंड करेगा। और मैं आपको पल पल का अपडेट दूंगा कि ये कितने पर ट्रेंड पे गया। लेकिन आप दूसरे के भरोसे पर मत बैठे रहना, आप जरूर करिएगा रीट्वीट, जितने लोग भी देख रहे हैं। आप सभी ने देख लिया होगा, और कम से कम ना इस चीज को आप सभी इग्नोर मत करना, जितने लोग भी हैं, क्योंकि मैं एक ही बार बोल रहा हूं आप सभी को, मैं आप सभी को प्लेटफॉर्म दे सकता हूं, एकजुट कर सकता हूं, लेकिन उसमें कुछ लोग जो है वो इग्नोर कर दिए, यानी मेरा काम चलो बाकी तो कर ही रहे, हम क्यों करेंगे, और वो सोच रहा है कि आप करेंगे। और इसी में क्या हो रहा है ना, आप लोग पीछे रह जा रहे हैं, और देखो जो नीट और जेई दे रहे हैं वो आगे रह जा रहे हैं, यानी वहां पर जागरूकता है। यहां पर आप गाली दे सकते हो सरकार को, मीडिया को, लेकिन आप भी तो पीछे हैं, तो आप भी तो कम से कम खड़ा होइएगा ना इस चीज के लिए, क्योंकि अपना आवाज खुद लड़ना है। आंदोलन कर कुछ नहीं मिलेगा, आंदोलन आप एक जगह पर कर सकते हैं, उसको मीडिया कवर नहीं करेगा, लेकिन ट्विटर के ऊपर अगर एक नंबर ट्रेंड करवा दिए ना, तो ये आवाज जो है आपका पूरा इंडिया स्तर पर सुना जाएगा, ये बात याद रखिएगा, चीज को समझो बारीकी से। और जितने भी छोटे जो भी यूट्यूबर है, आप इस वीडियो को अपलोड कर सकते हैं, कोई कॉपीराइट स्ट्राइक कुछ नहीं आएगा आप सभी को, ठीक है। चलिए।